मोटरोला भी इतने कम प्राइस पर इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस दे सकता था, मैंने सोचा ना था। यस फाइनली गाइस, मैं बात कर रहा हूँ मोटरोला के बारे में, क्योंकि मोटरोला का ये अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा लकी है, क्योंकि इस महीने में उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च हुए, जिसमें मोटरोला G32 एंड मोटरोला G62। एंड मोटरोला के लिए मोटरोला का सितंबर भी महीना काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाला है, क्योंकि मोटरोला का सितंबर के महीना में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्चेस हो रहे हैं, जो कि ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि नथिंग फोन 1, ओप्पो रेनो 8 प्रो एंड ओप्पो रेनो 8 एंड IQ न्यू 6 एंड से आने वाले 7 को भी टारगेट करने वाले हैं, जिसका नाम है मोटो X30 प्रो। हाँ, ये जिस प्राइस रेट में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहा है, समझ जाओ अगर इस प्राइस रेट में ये अगर आ रहा है तो समझ लो सितंबर के महीने में धूम ही मच जाएगा, गर्दा उड़ा देगा गर्दा। एंड इसी के साथ साथ बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि अंडर 30 के ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तगड़े होने वाला है। एंड इसी से मैंने कंपेयर कराया स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं ये किस प्रकार का, यानी कि कितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेट पर। एंड मैंने इसका अंतु स्कोर की बात की है तो 8 Gen 1 का अंतु स्कोर निकल के आता 1 million प्लस, एंड इसका अंतु स्कोर 8.5 लाख के आसपास निकल के आता है, जो कि इस प्राइस रेट पे आपको बहुत ही अच्छी आपको गेमिंग प्रोवाइड करने वाला। हाँ, ये फ़ोन गेमर्स को लिए टारगेट करने वाला है। एंड इसकी कैमरा सेटअप के बारे में तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि है इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको OIS सपोर्ट वाला कैमरा, 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है, भाई 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे मैक्रो कैमरा क्यों, ये किस लिए दे रहे हैं ये 2 मेगापिक्सल का, नज़र लगने से ये फ़ोन को बचाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का कोई सेंस ही नहीं बनता है। एंड इसके साथ साथ बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट कैमरा इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 4K 30fps तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वाली बात है। ये फ़ोन कैमराज के मामले में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। एंड इसके साथ साथ बात की जाए इस फ़ोन के डिस्प्ले सेक्शन के बारे में, तो डिस्प्ले इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, जिसमें आपको 6.7 इंच की POLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। इसमें आपको 1000 निट्स के साथ 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि गेमिंग के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड करने वाला है। एंड हाँ, इस डिस्प्ले में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड अब बात की है इसके बैटरी एंड चार्जर के बारे में, तो इसमें आपको 4400mAh बैटरी के साथ 68W का चार्ज देखने को मिल रहा है, जो कि 0 से 100% बैटरी को चार्ज करेगा सिर्फ 25 मिनट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। सिर्फ इतने कम मिनट में ये पूरे फ़ोन को चार्ज कर देता, इसलिए ये फ़ोन गेमर्स के लिए भी टारगेट करता है। एंड इस फ़ोन की बात की जाए एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो उसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो उसका जो 8128 वाला बेस वेरिएंट होगा उसके प्राइस लेने वाले हैं 29,999। हाँ, 29,000 के प्राइस रेट में लॉन्च हो जाएगा। एंड हाँ, ये 8 सितंबर को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।